पिछले वाले वीडियो में राय सिंह तक बात हो गई थी, कहां तक? राय सिंह तक बात हो गई थी, उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा कर्ण सिंह। कर्ण सिंह की बात कर रहे थे अपन, महाराजा कर्ण सिंह। देखो दोस्तों, बीकानेर में जो शासक रहे थे सबने राव लगाया अपने आगे। क्या लगाया? राव। मैंने बताया था आपको कि राव किसने लगाया, राव बीका, राव जय सिंह, राव धूनकर। लेकिन महाराजा की उपाधि दी थी किसने? अकबर ने। किसको? राय सिंह को। अब यहां से उपाधि दी है तो महाराजा चलेंगे, यानी कि आगे के जो जितने भी शासक आएंगे बीकानेर के, सब में क्या चलेगा? महाराजा चलेगा। जैसे आपने मेवाड़ में पढ़ा होगा, महाराणा की उपाधि धारण की थी हमीर ने, तो बाद में जितने भी आए सबने महाराणा लगाया। चाहे कैसा भी शासक आया, कुछ किया नहीं हो, लेकिन महाराणा है वो। तो यहाँ पे भी यही होगा, यही चलेगा। जिसने महाराजा उपाधि दे दी तो उसके बाद महाराजा ही चलेगा। अब पढ़ेंगे अपन महाराजा कर्ण सिंह, कौन सा शासक? महाराजा कर्ण सिंह राठौड़। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक क्वेश्चन सबसे पहले यही बनता है कि अब यहां से इसके शासनकाल की बात करें तो शासनकाल कौन सा? 1631 से 69 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इसके समकालीन, पहले महाराजा कर्ण सिंह की बात करें, ये बीकानेर का प्रसिद्ध शासक था। दोस्तों अगर बीकानेर में से कोई क्वेश्चन आता है ना, तो एक तो राय सिंह में से आएगा या फिर अनुप सिंह में से आएगा। ये दो ही राजा ऐसे हैं बीकानेर मारवाड़ में कि इन दोनों में से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इन दोनों को ही ध्यान से पढ़े और दोनों के शासनकाल में मैंने आपको बताया कि काल किसके का याद रखना है, जो मैं बताऊंगा सभी के हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इसका याद रखना, राय सिंह का याद रखना। बीकानेर का प्रसिद्ध शासक था, तथा किसका पुत्र था? ये सूर सिंह का पुत्र था। पिता कौन थे इसके? सूर सिंह पिता थे। सूर सिंह, सूर सिंह की मृत्यु के बाद शासक कौन बने था? कर्ण सिंह बना था। अब इनके शासनकाल मुगल बादशाह कौन था? समकालीन। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, समकालीन मुगल बादशाह, मुगल बादशाह कौन थे? तो दोस्तों पहला था शाहजहां, तो दूसरा था जहांगीर। सॉरी, जहांगीर नहीं, औरंगजेब, लिखने का मिस्टेक हो गया, औरंगजेब। दूसरा कौन सा था? औरंगजेब। इसके समकालीन किसके? कर्ण सिंह के समकालीन दो मुगल बादशाह थे, शाहजहां और औरंगजेब। अब देखो औरंगजेब किसकी बात करेंगे? औरंगजेब। मैं आपको बता दूं, अपन ने मारवाड़ में पढ़ा था कि जसवंत सिंह, कौन? जसवंत सिंह के जब युद्ध हुआ था, शाहजहां के पुत्रों को लेके युद्ध हुआ था औरंगजेब और उनके भाइयों के मध्य, यानी कि शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। तो जसवंत सिंह ने, मैंने बताया था कि जसवंत सिंह ने दोराय के युद्ध में किसका साथ दिया था? औरंगजेब का साथ दिया था। और पहला वाला जो धर्मत का युद्ध हुआ था उसमें साथ दिया था किसका? दारातिको का। तो वही सिचुएशन, वही कंडीशन, आप कनेक्ट करते जाइए, वहां का कनेक्ट यहाँ होगा। कर्ण सिंह औरंगजेब के शासन के टाइम वहां कौन था? जसवंत सिंह का। यहाँ कौन है? कर्ण सिंह। तो यही सिचुएशन यहाँ बनेगी। कैसी? इधर देखिए, जैसे शाहजहां, ये इधर देख लीजिए आप, शाहजहां, ये शाहजहां, इसके पुत्र कौन कौन से हैं? मैंने उस दिन भी बताया था, बताओ। दारा सिको, दारा सिको, सूजा, और तीसरा औरंगजेब, और चौथा था मुराद। और युद्ध कब हुआ था? 1658 में। एक भयंकर, मैंने वहां भी बताया था कि एकदम से 1658 एकदम से क्या होता है? शाहजहां की तबीयत खराब हो जाती है।
अब शाहजहां की तबीयत खराब होती है कि माहौल फैल जाता है, सब जगह यही फैल जाता है कि शाहजहां मर गया, लेकिन मरा नहीं है। मैंने बताया था कि मरा 8 साल बाद 66 में मरा था। लेकिन सबको क्या लगता है, जल्दी रहती है औरंगजेब को, दारा सिको को, सूजा को और मुराद को, किसकी, उत्तराधिकारी को लेके, कि अब तो मेरा बाप जाने वाला है, अब जल्दी से उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। कौन, दारा सिको बनेगा, क्योंकि बड़ा जो ज्येष्ठ पुत्र रहता है वही रूल के अनुसार तो दारा सिको बनना चाहिए था, लेकिन शासक कौन बनता है, औरंगजेब बनता है। तो शाहजहां जैसे बीमार होता है, सब जगह दस्तखत ये फैल जाती है कि यार बीमार हो गया, मर गया ये, लेकिन मरा नहीं, अभी कुछ चल रहा है। तो दारा सिको, सूजा और औरंगजेब सुबराज के मध्य युद्ध होता है। मैंने वहां बताया था युद्ध भी होते हैं, कौन कौन से युद्ध होते हैं, फिर से देख लीजिए। धर्मत का युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध और खजुआ का युद्ध, खजुआ और तीसरा होता है दोराय का युद्ध। जो सबसे अंतिम युद्ध रहता है मुगल बादशाहों के उत्तराधिकारी को लेके, सबसे अंतिम युद्ध रहता है वो दोराय का युद्ध रहता है 59 में, 1659 में जो लड़ा गया था दोराय का युद्ध। और इस युद्ध में यानी कि पहले सूजा भी मारा गया था, मुराद भी मारा गया था, और दारा सिको को इसने बंदी बना लिया था। दारा सिको को काकरवाड़ी किले में, बताया था ना, काकरवाड़ी किले में अलवर में बंद कर लिया था, फिर बाद में वहां भी मार दिया था। तो खजुआ का युद्ध होता, धर्मत का युद्ध होता, सब बता दिया। धर्मत कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। खजुआ कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में यानी यूपी में पड़ता है। और दोराय कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। तो ये इन चारों के मध्य युद्ध चलता रहता है। अब बात ये आती है कि सारे, क्योंकि राजपूताना में जितने भी राजपूत शासक थे ना, सब अधीन थे मुगलों के, 3 शासक थे वो बता दिया मैंने, और कर्ण सिंह, सब साथ देंगे कि यार जब उत्तराधिकारी को लेके, हमारे मुगल सम्राट के उत्तराधिकारी को लेके युद्ध होंगे तो हम भी तो साथ देंगे। सब ने साथ दिया था, सिर्फ एक था महाराजा कर्ण सिंह, जो अब इसका मैटर क्या है वो बात बतानी, इसीलिए कनेक्ट किया है ये मैंने, कनेक्ट होगा इससे। तो क्या था, देखो नोट लगाना, नोट क्या आएगा कि धर्मत के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी युद्ध में, ये युद्ध का नाम नहीं है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी युद्ध नहीं है, उत्तराधिकारी बनने के लिए जो युद्ध लड़े गए थे उसको उत्तराधिकारी युद्ध बोला है इतिहास में। उत्तराधिकारी युद्ध में महाराजा कर्ण सिंह ने किसी का साथ नहीं दिया था, किसी का भी साथ नहीं दिया था, नहीं। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये बनती है कि कर्ण सिंह ने, किसने, कर्ण सिंह ने किसी का भी, राजपूताना के जितने भी राजपूत शासक थे उसने किसी ने किसी का साथ दिया था, लेकिन एकमात्र कर्ण सिंह शासक था जिसने किसी का साथ नहीं दिया था। कौन था वो, कर्ण सिंह। और औरंगजेब उत्तराधिकारी कौन बना था, आपको बताया था मैंने, औरंगजेब उत्तराधिकारी बनता है। औरंगजेब के शासनकाल की बात करें तो ये था 1658 से 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। औरंगजेब उत्तराधिकारी कौन, युद्ध में कर्ण सिंह ने किसी का साथ नहीं दिया था, तो आप ये लिख लीजिए पहले, इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले, आगे की बात करेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, लिख लिया। तो दोस्तों आप कनेक्ट करते जाइए, कर्ण सिंह ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यही याद रखना है कि कर्ण सिंह ने किसका साथ दिया था। वहां ऑप्शन आएंगे आपके पास, दारा सिको का दिया था, औरंगजेब का दिया था, सूजा का दिया था, या फिर किसी का साथ नहीं दिया था, यानी कि अलग रहे थे युद्ध से, तो वो आएगा कर्ण सिंह। वहां पर ऑप्शन आएंगे आपके, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है दोस्तों। पहले भी कंपटीशन में ऐसा पूछा हुआ है कि कर्ण सिंह ने किसका साथ दिया था। महाराजा अनूप सिंह, देखो सॉरी कर्ण सिंह, महाराजा कर्ण, ये वही कर्ण सिंह है। पहले भी नाम बताया था मैंने कि एक युद्ध हुआ था मतिरे की राड को लेकर। कौन सा युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था मतिरे की राड, मतिरे की राड, कब हुआ था, 1644 में, 1644 और एक 1544,
1544 के कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का, जो बहुत सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था, और ये हुआ था 1644, यानी कि एग्जैक्ट 100 साल बाद युद्ध हुआ था मतिरे की राट को लेकर। मतिरे यानी कि आप देखो मतिरा, ये वही मतिरा है खरबूजा तरबूजा वाले, यानी कि इतिहास में मतिरे को लेकर भी युद्ध हुए हैं। मतिरे की राट इतिहास में मतिरों के लेकर युद्ध हुए थे, मैंने वहां भी बताया था, यहाँ डिटेल से देखेंगे एक बार कहानी फिर से। किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था कर्ण सिंह महाराजा, कर्ण सिंह अमर सिंह राठौर, बताया था अमर सिंह कौन है, जसन सिंह का भाई था जो नागौर दे दिया था, याद आया कुछ आपको? कनेक्ट हो रहा है ना सब कुछ। महाराजा कर्ण सिंह कहाँ का था? शासक बीकानेर का, और ये कहाँ का था? नागौर का, नागौर भेज दिया था शाहजहां से कि नागौर दरबार ले लीजिए। देखो अब क्या हुआ था मतिरे को लेकर, देखो इधर देखो, ये आपका राजस्थान था ठीक है, ये क्या है बीकानेर है, यहां पर बीकानेर, क्या है ये बीकानेर, और ये नागौर। अब यहां पर एक गांव पड़ता है और यहां पर एक गांव पड़ता है, दोनों टच हो रहे हैं। अब यहां पर कोई एक बेल लगाए इन्होंने मतिरे की, और मतिरे उस गांव में मतिरे की बेल लगाए, और उस बेल को आके यहां से जाके हुए, और मतिरा कहां पर आया? नागौर के एक गांव में। अब नागौर के एक गांव की बात करें तो इस गांव का नाम था, मैंने वहां भी बताया था, जाखणिया, जाखणिया गांव ठीक है दोस्तों, गांव का नाम क्या था? जाखणिया। और इधर गांव था सिलावा, सिलावा बहुत सी जगह सिलवा भी आता है, सिलवा लिखने की जरूरत नहीं, सिलावा है, बहुत सी जगह आपको सिलवा लिखा नजर आएगा तो वही है। अब दोस्तों कर्ण सिंह का यहाँ का शासक कौन? कर्ण सिंह, और यहाँ का शासक कौन? अमर सिंह राठौर। अब यहाँ पे मतिरा लगाया किसान ने, और मतिरे के जो मतिरा मतिरे की राड़ लगाई, जो बेल लगाई, वो मतिरे की बेल घूमती हुई कहाँ आ गई? इस गांव में, और मतिरा आ गया। इस बात की सूचना किसको लगी थी? कर्ण सिंह ने। ये पहले तो ये दोनों किसान ही लड़ गए, और ये दोनों किसान लड़ के वहां पे मर गए, ये बात पता चली कर्ण सिंह को। कर्ण सिंह जाता है यहाँ पर सेना को लेकर, और अमर सिंह को भी पता चलती है, और अमर सिंह भी सेना को लेकर आता है, और युद्ध होता है यहाँ पर, युद्ध होता है। मैंने बताया था अमर सिंह सहायता के लिए या फिर मुगल बादशाह किसके पास जाता है? शाहजहां को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, या फिर पत्र लिखता है, फोन कॉल करता है कि हेलो मैं अमर सिंह राठौर बोल रहा हूँ, और यहाँ पर ये मामला हो गया है। तो अमर सिंह की सूचना को कौन रोक देता है? सलामत खां। मैंने बताया था सलामत खां, सलामत खां को कर्ण सिंह ही बोलता है, कर्ण सिंह ही सलामत खां को बोलता है ऐसा कि यहाँ नहीं होगा, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर। तो अमर सिंह जाता है उसको बताता है ये, तो सलामत खां की वहां पर हत्या कर देता है कौन? अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौर, क्योंकि वो सलामत खां उसको क्या बोलता है? गवार बोलता है। तो ये मतिरों को लेकर युद्ध लड़ा जाता है, कर्ण सिंह विजेता रहता है इसमें, यानी कि अंत में क्या बात बनती है कि कर्ण सिंह विजय रहेगा और अमर सिंह हार जाता है, यानी कि इसकी बात जरूरी थी ठीक है दोस्तों, आपको आया समझ में? यानी कि मतिरों को लेकर इतिहास में युद्ध हुए, किस किस के मध्य होता, और ये जो जानकारी है युद्ध की जानकारी, ये जानकारी यह जानकारी नैनसिरी ख्यात में मिलती है, कहाँ मिलती है? नैनसिरी ख्यात मिलती है ठीक है दोस्तों, कहाँ मिलती है? नैनसिरी ख्यात, ये रहता मतिरे की राड, लिख लीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसके यही दोबारा बात करेंगे। लिख लिया दोस्तों, अब देखो बात हुई, देखो दोस्तों महाराजा कर्ण सिंह ने किसका साथ नहीं दिया था उत्तराधिकारी में? किसी भी पुत्र का साथ नहीं दिया था शाहजहां के, यानी कि किसी का साथ नहीं दिया था, अच्छा समझा था कर्ण सिंह ने। अब कर्ण सिंह को किसी का साथ नहीं दिया था,
यानी कि औरंगजेब शासक बना, राजा बना, मुगल बादशाह कौन बनेगा? औरंगजेब। तो औरंगजेब एक बार मीटिंग ले रहा था, मीटिंग लेते उसने ये बोला था कि मैं जो राजस्थान के राजपूताना के जितने भी राजा है, राजपूत राजा, उन सबको मैं मुगलों के अधीन करवाऊंगा और उनसे सबसे मुसलमान बनने का यानी कि मुस्लिम धर्म ग्रहण करवाऊंगा। तो कर्ण सिंह उस सभा में भी मौजूद था, तो कर्ण सिंह ने उठ के तलवार खड़ी करके और बोल देता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे युद्ध लड़ूंगा और मैं आपकी हत्या भी कर दूंगा। तो वहां पर बाकी राजाओं ने इससे खुश होकर एक उपाधि दी थी दोस्तों, राजपूत राजाओं ने उपाधि दी थी इसको, उपाधि दी कौन सी? जालंधर, जालंधर बादशाह की उपाधि दी थी। और दोस्तों ये जालंधर जो बादशाह किसकी, किसने दी थी? राजपूत राजाओं ने, राजपूताने के राजाओं द्वारा। और इस जालंधर बादशाह की यानी कि इस उपाधि की जानकारी एक जगह और मिलती है, शिरोमणि एक भट्ट, भट्ट रहता है इसका, चलो इसको रहने दो। जालंधर बादशाह की आता नहीं, जालंधर बादशाह की जो उपाधि दी थी किसने दी थी? राजपूताना के राजाओं ने द्वारा दी गई थी। इसके प्रमुख ग्रंथ भी थे, प्रमुख ग्रंथ की बात करें, प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे दोस्तों? तो हम प्रमुख ग्रंथों को लिख लेते हैं। पहला था साहित्य कल्पद्रम, दूसरा था कर्णबंतम, कर्णबंतम कर्ण संतोष चौथा है कर्णभूषण एंड काव्य दाकिनी। देखो दोस्तों प्रमुख ग्रंथ थे साहित्य कल्पद्रम, कर्णबंतम, कर्ण संतोष और कर्णभूषण एवं काव्य दाकिनी। ये प्रमुख ग्रंथ थे जो कि इसके काल में लिखे गए थे। दरबारी कविता, एक इसका दरबारी कवि था, गंगानंद, इसने ये लिखा था कर्णभूषण, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी की रचना की थी दरबारी कवि गंगानंद ने। ठीक है दोस्तों, महाराजा कर्ण सिंह ये हो गया। महाराजा कर्ण सिंह उपाधि दी थी जालंधर की, किसे दी थी? राजपूताने के राजाओं ने। साहित्य कल्पद्रम, कर्णवंतम और कर्ण संतोष, कर्णभूषण एवं काव्य डाकिनी की रचना की थी दरबारी कवि गंगानंद ने, प्रमुख ग्रंथ है इसके। ठीक है दोस्तों, ये कर्ण सिंह कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगले नक्शा की बात करेंगे। पर लिख लीजिए आप, ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा अनूप सिंह, इसका पुत्र रहता है अनूप सिंह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट शासक जो बनेगा उसका नाम है अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह। कौन है? महाराजा अनूप सिंह। देखिए सबसे पहले बात वही, इसके समय का समकालीन
मुगल बादशाह कौन था? समकालीन मुगल बादशाह की बात करें, मुगल बादशाह वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब ने महाराजा अनूप सिंह को उपाधि दी थी, उपाधि दी, उपाधि किसको दी? अनूप सिंह को। क्या थी उपाधि? एक तो पहली दी थी महाराजा की, महाराजा की उपाधि भी दी थी, और दूसरी दी थी माई बरातिप। माई बरातिप की उपाधि दी थी किसने? औरंगजेब ने। याद रखना औरंगजेब समकालीन था। सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है समकालीन कौन था? औरंगजेब। उपाधि क्या दी थी? महाराजा और माई बरातिप की। इसके बाद बात करें औरंगजेब की, इसके अनूप सिंह की, तो अनूप सिंह ने निर्माण करवाया था, निर्माण की बात कर लेते हैं। पहला जो निर्माण करवाया था इसने, अनूप महल बनवाया था, अनूप महल और अनूप संस्कृत पुस्तकालय। निर्माण की बात करें दोस्तों तो अनूप महल और अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाया था इसने। ये दोनों कहां पर है? जूनागढ़ किले में, जूनागढ़ के किले में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? जूनागढ़ के किले में स्थित है। इसके बाद कुछ और निर्माण करवाया था इसने, अनूप गढ़ दुर्ग। इस दुर्ग की नींव रखी थी किसने? अनूप सिंह ने। किसने रखी थी दोस्तों? अनूप सिंह ने इसकी नींव रखी थी, जो कहां पर है? एक गांव है अनूपगढ़, अनूपगढ़, यह पड़ता है गंगानगर में, गंगानगर में अनूपगढ़ एक गांव पड़ता है, वहां पर इस दुर्ग की नींव रखी थी किसने? अनूप सिंह ने। इसके बाद इसने अनूप सागर कुआं बनवाया था, अनूप सागर कुआं भी बनवाया था, कहां पर? बीकानेर में। इसके बाद बात करें इसने 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था, 33 करोड़ में, बता चुका हूं आपको, 33 करोड़ देवी देवता कहां पर है? बीकानेर। किस किले में? जूनागढ़ के किले में। दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं रखी, नाम है एक मंदिर का, एक मंदिर का नाम है 33 करोड़ देवी देवता। और अगर मैं साल की बात करूं तो कहां पर है साल? मंडोर में। मैंने बताया था आपको पिछली बार कि मंडोर में साल है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। साल का मतलब ये होता है कि एक मतलब छाया पड़ी हुई है। जैसे 33 करोड़ देवी देवता की साल की बात करें तो एक पत्थर रखे हुए हैं वहां पर, पत्थर रखे हुए हैं उन पर 33 करोड़ देवी देवता, जैसे बैरूजी वगैरह के बारे में बताया गया है ऐसे। तो 33 करोड़ का मंदिर की बात करें तो कहां पर? जूनागढ़ में। साल की बात करें तो कहां पर है? मंडोर में। ये बात हुई अनूप सिंह की, इसको लिख लीजिए पहले आप। ठीक है दोस्तों, लिख लिया। इसके बाद बात करते हैं अनूप सिंह के ग्रंथों की। अच्छा साहित्यकार भी रहा था संस्कृत का, ये संस्कृत का काफी बड़ा उच्च कोटि का विद्वान था, ये उच्च कोटि का विद्वान था अनूप सिंह। संस्कृत के जो भी इसने ग्रंथ लिखे सब संस्कृत भाषा में लिखे थे। इसके पहले जो कर्ण सिंह था वो भी संस्कृत भाषा का विद्वान था, और उसने भी जो ग्रंथ लिखे थे दोस्तों वो सब किस में लिखे थे? संस्कृत भाषा में लिखे थे। अब इसके ग्रंथों की बात कर लेते हैं, इसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे। देखो अनूप सिंह इसके ग्रंथ, पहली बात करें पहला था अनूप विवेक, अनूप विवेक, दूसरा काम प्रबोध, तीसरा अनूप रत्नाकर, चौथा संगीता नुराग, और पांचवा था, बहुत सारे ग्रंथ थे इसके, बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी थी अनूप विवेक ने, अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनूप रत्नाकर, संगीतानुराग और अनुपोदे, अनुपोदे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रमुख ग्रंथ की बात कर रहे हैं पर यहां पर। ये बात किसकी हुई दोस्तों? प्रमुख ग्रंथ की। प्रमुख ग्रंथ की बात करें अनूप सिंह ने, मैंने बताया था आपको पिछले वाले में कि राय सिंह को, राय सिंह को क्या माना जाता है? प्रारंभिक, यहां भी लिख देता हूं मैं, प्रारंभिक चित्रकला का। लेकिन अनूप सिंह क्या
क्या माना जाता है? अनूप सिंह को, अनूप सिंह के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो दोस्तों इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, प्रारंभिक पूछे सबसे पहले शुरू हो गए, शुरुआत हुई थी चित्रकला की राय सिंह के समय। किसके समय? राय सिंह के समय। और जो स्वर्ण काल माना जाता है चित्रकला का, वो किसके काल को माना जाता है? अनूप सिंह के काल को। और इसी के काल में, काल में उस्ता कला, बहुत फेमस कला है उस्ता कला, बीकानेर की, लाहौर से बीकानेर लाए, लाहौर से बीकानेर लाए। किसके काल में दोस्तों? अनूप सिंह के काल में। उस्ता कला ऐसी कला, मैं आपको बता दूंगा जब ये अपन कल्चर पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल से बात करेंगे। उस्ता कला वो होती है जैसे ऊंट पे, ऊंट की खाल पर, कंफ्यूज मत होना, ऊंट की खाल पे चित्र नहीं बनाए जाते, उसके बालों पर अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? उस्ता कला। लकड़ी पर भी बनाए जाते हैं, उसको भी उस्ता कला में आता है, लेकिन सबसे फेमस होती है ऊंट, ऊंट पर चित्र बनाना, तो वो क्या होती है? उस्ता कला। इसी तरह आगे के साथ की बात करेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। लाइक कमेंट जरूर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, इसके बारे में बताएं, जो भी कमी आप वो लिखा करें, मैं जवाब अर्ज दूंगा और आगे बात करेंगे। थैंक यू।